ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में उपायुक्त माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए ये साथी यहाँ डीसी कार्यालय पर इकट्ठे हो ये जी ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा, इनके लंबे समय से जो पेंडिंग जो मुद्दे हैं उनको सरकार बार बार सरकार को अपना मांग पत्र दिए, ज्ञापन दिए और उनको उनके ऊपर सरकार ने सुनवाई नहीं करी। लेकिन 26 तारीख को जो मीटिंग हुई उसके में इनका जो बकाया भत्ता है उसके ऊपर सरकार ने बात को सुना है कि वो मिलेगा इनको, और वर्दी भत्ता है उसके लिए बात करी है कि वो भी मिलेगा। लेकिन 50 लाख कवरेज बीमे की जो ये महामारी के चलते जो सरकार ने पहले हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं से, सीटू के नेताओं से जो बातचीत हुई उसकी अभी तक चिट्ठी फाइल नहीं आई हमारे पास कोई, और इनका जो PA DA जो कटना था वो भी इस आंदोलन के द्वारा ही सरकार ने चिट्ठी निकाली है। और इनकी हमारी मांग है कि कम से कम जब तक इनको पक्का ना किया जाए 18,000 न्यूनतम वेतन जो बनता है वो इनको दिया जाए। हमारी मांग है कि इनके जो काम के जो नॉर्म हैं वो भी तय किए जाए और बगार के ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये हमारे हमने आज तहसीलदार के नाम, हरियाणा सरकार के नाम हमने मांग पत्र दिया तहसीलदार साहब के, तो उन मांगों को पूरा करे जल्दी से जल्दी सरकार, नहीं तो ये आंदोलन आगे तेज होगा और सरकार को इनकी बात सुन लेनी चाहिए। ये कर्मचारी गांव के अंदर सफाई का जो काम करते हैं, जोखिम भत्ते की जो बात है वो सबसे ज़्यादा काम इन कर्मचारियों का बनता है जो इस महामारी के अंदर चलते हुए, और सरकार को इनकी बात सुन लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर ये आंदोलन नहीं तो लंबा होगा, सरकार बात नहीं सुनती। था आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंह है जी, जिला फतेहाबाद के जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन उसका प्रभारी हूँ, इंचार्ज होने के नाते इनके बीच में CI2 का जिले का कार्यकारिणी अध्यक्ष।